मायरा हैरानी से उस ओर देख रही थी। चुधर सिद्धार्थ और उसके पीछे वो अजनबी आदमी गया था। मायरा को लगा जैसे कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था। एक बार के लिए मायरा के मन में आया कि वो सिद्धार्थ के पीछे जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो तो अब तक बाहर निकल गया होगा, तो उसके पीछे जाकर कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसने वापस रेस्टोरेंट जाने का मन बनाया। तभी अचानक मायरा की नजर किसी चीज पर पड़ी और उसके कदम चलते चलते रुक गए। उसने रुककर नीचे देखा तो पाया कि एक वॉलेट नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वॉलेट को उठाकर ध्यान से देखने पर मायरा को पता चला कि उस पर किसी का नाम लिखा हुआ है और वो नाम था कमल आर। वो नाम पढ़कर मायरा के दिमाग में ख्याल आया, कमल, ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है, लेकिन कहाँ सुना है ये मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ देर तक याद करने के बाद मायरा ने खुद से ही कहा, ये वॉलेट उन्हीं का है जो सिद्धार्थ से अभी कुछ देर पहले टकराए थे, मुझे वॉलेट उन्हें लौटा देना चाहिए। ये सोचते हुए मायरा आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब वो गेट तक पहुंची, वहां उसे ना तो वो आदमी दिखाई दिया और ना ही सिद्धार्थ। मायरा ने हैरानी से सोचा, अरे सिद्धार्थ तो अभी इसी तरफ आए थे, फिर अचानक कहाँ गायब हो गए, कहीं वो रेस्टोरेंट से वापस घर तो नहीं चले गए, और जो शख्स अभी यहीं खड़े थे वो भी कहीं चले गए, लेकिन उनका वॉलेट, वो मैं उन्हें कैसे वापस करूंगी। मायरा ये सोचकर परेशान थी कि वो उस वॉलेट के साथ अब क्या करेगी, लेकिन फिर उसने वो वॉलेट अपने पर्स में रख लिया और खुद से ही बोली, अभी के लिए वॉलेट मैं अपने पास रख लेती हूँ, बाद में उन्हें ढूंढ कर उनका वॉलेट उन्हें वापस कर दूंगी। यही सोचकर वो डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुनैना और महेंद्र अपना खाना खत्म कर चुके थे और शनाया भी डिनर कर चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ की प्लेट में अभी खाना बचा हुआ था। ये देखकर मायरा ने सोचा, सिद्धार्थ अपना खाना बीच में ही छोड़कर मुझसे मिलने चले आए थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और फिर अचानक ही रेस्टोरेंट से चले गए, उस आदमी से टकराने के बाद ही ये सब हुआ, आखिर कौन है वो। मायरा टेबल के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी और सुनैना और महेंद्र की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। उसे सामने देखकर महेंद्र ने तुरंत ही सिद्धार्थ के बारे में सवाल किया, मायरा तुम अकेली ही वापस आ रही हो, सिद्धार्थ कहाँ है, वो तो शायद उसी तरफ गया था ना। इस सवाल पर मायरा ने जवाब दिया, हाँ वो दरअसल अभी मैंने उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए देखा था। मायरा की इस बात ने महेंद्र को थोड़ा हैरान कर दिया और उसके मन में तुरंत ही अगला सवाल आया और उन्होंने मायरा से पूछ ही लिया, लेकिन सिद्धार्थ हमें बिना बताए कहाँ चला गया, वो तो हमारे साथ डिनर पर आया था ना, ऐसे बिना मिले नहीं जाना चाहिए था उसे। मायरा तो खुद भी नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ अचानक कहाँ चला गया, इसीलिए उसने महेंद्र से कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो अचानक कहाँ चले गए और मैं उनसे पूछ भी नहीं पाई। महेंद्र ने मायरा से अब आगे कुछ और नहीं कहा। तभी सुनैना ने मायरा से पूछा, मायरा तुम्हारे खाने की प्लेट भी वैसी ही पड़ी है, तुम पहले खाना खा लो फिर हम लोग घर चलेंगे। मायरा का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि सिद्धार्थ अचानक ही रेस्टोरेंट से बाहर चला गया था और वो उसकी वजह भी नहीं जानती थी। मायरा ने सुनैना से अपने मन की बात कह दी, नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है, चलिए हम घर चलते हैं। सुनैना उसकी बात मान गई और उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। इधर शनायक के दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा था कि सिद्धार्थ अचानक कहाँ चला गया, वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। अभी कुछ देर पहले तो वो मुझसे कहकर गया था कि उसे मायरा से जानना है कि वो अकेले में किससे बात करती रहती है, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो रेस्टोरेंट से ही चला गया, कहीं उसका और मायरा का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जिससे उसे गुस्सा आ गया हो और इसीलिए वो तुरंत रेस्टोरेंट से निकल गया। शनाया अपने दिमाग में अलग अलग अटकलें लगा रही थी और इधर मायरा भी सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। तभी महेंद्र ने वेटर को बुलाकर बिल मांगा, लेकिन वेटर ने कहा कि सिद्धार्थ सर ने ऑनलाइन पे कर दिया है और आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एक बार फिर महेंद्र सिद्धार्थ से काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा, सच में लड़का बहुत केयरिंग है,
मुझे बहुत खुशी है कि मायरा उनके पास काम करती है। फिर महेंद्र ने उन सभी को चलने के लिए कहा, चलो घर चलते हैं। उसके बाद सभी लोग पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर महेंद्र ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और अपनी जगह पर बैठ गए। बाकी सब ने भी अपनी अपनी जगह ले ली और उनकी कार चौधरी मेंशन की तरफ निकल पड़ी। महेंद्र कार ड्राइव कर रहे थे और सुनैना उनके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। मायरा और शनाया बैक सीट पर थे। तभी महेंद्र ने खामोशी को तोड़ते हुए बात की शुरुआत की, अगर हम सिद्धार्थ का अचानक जाना इग्नोर करते हैं तो आज का डिनर काफी अच्छा था। इतना कहकर महेंद्र हंसने लगे, सुनैना भी उनके साथ हंसने लगी और मायरा और शनाया के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। लेकिन सुनैना के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उन्होंने हल्की सी उदास आवाज में कहा, पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मायरा सही सलामत वापस लौट आई और उन किडनैपर्स ने उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। सुनैना की फिक्र देखकर मायरा ने उन्हें अश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, अब तो सब ठीक है ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है और मैं आगे भी ख्याल रखूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। मायरा की बात सुनकर शनाया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो मन ही मन खुद से कहने लगी, अगर इस बार मुझे खुद ही अपनी दी हुई सुपारी वापस नहीं लेनी पड़ती तो ये मायरा अभी यहीं मेरे साथ ना बैठी होती। लेकिन इसकी किस्मत शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन किस्मत भी कितनी बार ही इसका साथ देगी, कभी तो ऐसा होगा कि मेरे जाल से बाहर ना निकल पाए और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से गायब ही हो जाए। जहां एक तरफ शनाया अभी भी मायरा को नुकसान पहुंचाने के तरीके सोच रही थी, वहीं मायरा सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ को आज पता नहीं क्या हो गया था, पहले ही वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही वो उस आदमी से टकराए उनका बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब हो गया था। ना ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा और ना कुछ बताया, बस तुरंत ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। आखिर क्या रिश्ता है उनका और उस आदमी का? इस सोच के साथ उसने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया। मायरा ने दोबारा उसका नंबर डायल किया लेकिन फिर से सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यही सिलसिला 3-4 बार चलता रहा लेकिन मायरा के हाथ निराशा ही लगी। सिद्धार्थ उसका फोन नहीं उठा रहा था और ऐसा होने पर मायरा का शक और भी गहरा होता चला गया। वो सोच रही थी, इस तरह के अजीब बर्ताव का क्या मतलब है? अचानक से कहीं चले जाना और फिर फोन ना उठाना, इस सब का मैं क्या मतलब निकालूं? कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि सिद्धार्थ के साथ चल क्या रहा है। वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं और मैं बस सोचती ही रहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मायरा अपने ख्यालों में उलझी हुई थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो घर पहुंच गई। कार से बाहर निकलकर सभी लोग मेंशन के अंदर आए और अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में आकर मायरा ने फटाफट चेंज किया और अपना फोन लेकर बेड पर बैठ गई। वो अभी भी सिद्धार्थ और उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी और जानना चाहती थी कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, मुझे उस अजनबी आदमी का नाम इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो मेरे काम आ सके। यही सोचकर मायरा ने तुरंत सर्च इंजन पर कमल आर नाम सर्च किया और अगले ही पल कमल आर से जुड़े कई नाम मायरा के मोबाइल की स्क्रीन पर उभर आए। लेकिन जो पहला ही नाम लिखा था उसे देखकर मायरा चौंक गई। उस इन्फॉर्मेशन ने मायरा को हैरान कर दिया था क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो शख्स जो रेस्टोरेंट में सिद्धार्थ से टकराया था वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ के फादर थे, मिस्टर कमल रहेजा। उस साइट पर कमल रहेजा की एक तस्वीर भी थी जो बिल्कुल उस आदमी के चेहरे से मेल खाती थी जिसे मायरा ने रेस्टोरेंट में देखा था। और तभी मायरा को याद आया कि उसने कमल को एक बार एक बोर्ड मीटिंग से निकलते हुए देखा था। अब मायरा को उसके एक सवाल का जवाब तो मिल गया था लेकिन उसके सामने और कई नए सवाल आकर खड़े हो गए थे और शायद उन सवालों के जवाब अब सिद्धार्थ ही दे सकता था। मायरा मन ही मन सोचने लगी,
अगर कमल रहीचा सिद्धार्थ के पिता हैं, तो फिर वो उन्हें वहाँ देखकर भाग क्यों गए? सिद्धार्थ ने अपने फादर को बाय भी नहीं बोला और बस बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों ने आपस में बात ही नहीं की? पता नहीं कितने राज हैं जो सिद्धार्थ ने मुझसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मैं भी इस मामले का सच जानकर ही रहूंगी। इतना कहकर मायरा एक बार फिर सिद्धार्थ को फोन करने वाली थी, लेकिन तभी उसे कार्तिक की आवाज सुनाई दी। तुम तो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो यहीं बैठकर। कार्तिक की ये बात सुनकर मायरा ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो कार्तिक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे से कुछ भी साफ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नॉर्मली बात कर रहा था या फिर टोन कस रहा था। मायरा ने मुस्कुराते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, इन्वेस्टिगेशन कहा, मैं तो बस यूं ही। इससे पहले कि मायरा अपनी बात पूरी करती, कार्तिक ने एक बार फिर उसे टोक दिया और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी गैर मर्द के बारे में सोचो। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम किसी और के बारे में इस हद तक इंटरेस्ट लो। कार्तिक की बात सुनकर मायरा बहुत जोर से हंसने लगी। उसे कार्तिक की बातें बहुत पचकानी लग रही थी और उनका कोई भी मतलब नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कार्तिक को समझाते हुए कहा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम इतने पॉजेसिव क्यों हो रहे हो, बताओ। एक पल के लिए कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मायरा के सवाल पर क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने कुछ सोच कर कहा, बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन तुम ये कह सकती हो कि मैं तुम्हारा पॉजेसिव फ्रेंड हूँ। मैं एज अ फ्रेंड बहुत पॉजेसिव हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो, समझ गई तुम? इस बात पर मायरा को थोड़ी हैरानी हुई और उसने कार्तिक से कहा, कुछ भी मत बोलो, समझे, मैं जब चाहूं जिससे चाहूं बात कर सकती हूं। कार्तिक मायरा के सामने अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फीलिंग्स या उसके प्यार का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये भी उतना ही सच था कि जब भी मायरा सिद्धार्थ के बारे में सोचती थी या उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेती थी तो कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर गलती तो मायरा की भी नहीं थी, क्योंकि वो कार्तिक के मन के जज्बातों से बिल्कुल अनजान थी। अपनी बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए कार्तिक ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो तुम्हें अपनी तरफ की बात बता दी है। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेंड हूँ और तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इस पर मायरा ने कार्तिक को जवाब दिया, अच्छा तो मायरा को धमकी दी जा रही है। इतना कहकर मायरा खुद भी हंसने लगती है और उसे हंसते हुए देखकर कार्तिक भी मुस्कुरा उठता है। सच ही है, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनके महज साथ होने से हम अपनी लाइफ की बड़ी सी बड़ी टेंशंस भी भूल जाते हैं, और हमारे साथ रह जाती हैं तो सिर्फ हमारे होठों की मुस्कुराहट। मायरा के लिए कार्तिक भी एक ब्लेसिंग की तरह था, जिसके लिए भगवान को जितना भी थैंक यू बोलती वो कम था।